आजा। भैया। आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो, ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे किरेबान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? डरी तो अब? हे, एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे बदला लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहाँ नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? ए, इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल, नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। जो डर उनकी वीकनेस है, वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना? अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है, इसे कोई नहीं भेद सकता।